धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह के सूत्र में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। इसी क्रम में गौ, गंगा, गायत्री एवं हजारों बहनों की रक्षा का संकल्प लिए झांसी के प्रतिष्ठित समाजसेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को समिति कार्यालय पर सैकड़ों बहनों एवं नन्ही बच्चियों ने मस्तक पर तिलक कर मुंह मीठा कराकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से दीर्घायु की कामना की। भाई एवं पिता स्वरूप डॉक्टर संदीप ने बहनों को उपहार देकर जीवन रक्षा का वचन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि संघर्ष सेवा समिति लगातार 15 वर्षों से राष्ट्र सेवा एवं मातृशक्ति की सेवा में तत्पर है और आगे भी रहेगी। समिति द्वारा अभी तक 278 लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में तैयार कराकर बहन के रूप में विदा किया। अभी तक महिला सशक्तिकरण के लिए 500 बहनों के लिए 5 लाख की बीमा पॉलिसी का वितरण एवं प्रतिवर्ष 1000 पॉलिसी वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी हाल ही में 12 मार्च को मुक्ताकाशी मंच पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी 18 वाल्मीकि समाज की कन्याओं के पैर पखार कर 90 लाख की बीमा पॉलिसी व उपहार देकर बहन के रूप में विदा किया। वास्तविकता में सुख दुख में साथ रहने का रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से बहन पूजा रायकवार, मीना मसीह, हाजरा रब, नीलू रायकवार, नैन्सी मसीह, सलोनी मसीह, रीना, ज्योति, प्रीति, नेहा, संगीता दीक्षित, दुर्गेश, नंदनी, राजकुमारी, शोभा बाथम, मनु बाथम, मौना रायकवार, डोली कुशवाहा, भावना कुशवाहा, नीलम, कविता, शना, शिवानी, मधु, बैलेसिया रायकवार सहित सैकड़ों बहनें उपस्थित रहीं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।